था एंड यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ी है, बट कोई बात नहीं, मैं नहा ली हूँ, गर्म पानी है ना, और उसके बाद से इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रैक सूट का जैकेट पहना है। सो अभी 9 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है एंड कितना टाइम है मेरे पास, अब बस 3 मिनट बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ एंड मिलती मैं आपको अपने क्लास ओवर होने के बाद। देख सकते हैं कि अभी मैं लिख रही हूँ एंड मेरी मम्मा मुझे अभी ब्रेकफास्ट करवा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का ही ब्रेक मिलता है। सो मुझे लिखना भी था तो इसलिए मेरी मम्मा मुझे खिला रही है ब्रेकफास्ट। से वो ओवर हो चुका है एंड नाउ दैट सरप्राइज टाइम इज ओवर एंड आज मम्मी बनाने वाली है चिकन। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मम्मा चिकन बनाती है। सो आर यू रेडी, लेट्स गो। तो चलिए पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं, फिर इसमें डाल देते हैं तेल। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल, तो हम इसमें डाल देंगे पहले कुछ खड़े मसाले, दो से तीन चार तेज पत्ता और नमक। अब इसमें जाएगा लहसुन 2 चम्मच, इसमें हमने ले लिया है जीरा एंड हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब हम इनको थोड़ी देर तक भूनेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, हमने ले लिया है इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इसमें हम डाल देंगे इसी समय पर हल्दी, थोड़ा सा हमने ले लिया है किचन किंग मसाला और आधा चम्मच हमने ले लिया है जीरा और धनिया। अब इनको हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमने ले लिया है 750 ग्राम चिकन और इनको हमने अच्छी तरह से इनको धो लिया है। अब मैं इसमें इसी समय पर डाल दूंगी चिकन। तो हम अब इनको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसाले और प्याज के साथ में। हमने ले लिया है करीब 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इनको भी मैं अब इसी समय पे डाल देती हूँ। और मैं इनको भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। छोड़ दूंगी और बीच बीच में मैं इनको चलाते रहूंगी। तो 5 से 10 मिनट हो गए हैं, चलिए इनको हम चेक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट में ये हमारे
थोड़े थोड़े ये सीज गए हैं, मतलब गल गए हैं। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। और मैं इसमें डाल दूंगी ये कलर वाली लाल मिर्ची आधा चम्मच, और इनको भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इनको ढक करके फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे। अभी 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं हमारा चिकन मिक्स करके लगभग तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ी देर तक और ही इसको ऐसे ही चलाते हुए भून लूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म पानी। और मैं इसमें डाल दूंगी अब 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर, और इनको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ चलाते हुए, और इनको ढक करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं पानी डाली, और देख सकते हैं आप लोग कि हमारा चिकन बन करके हो गया है तैयार। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और सर्व करूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं सर्व कर देती हूँ। मम्मा का चिकन का रेसिपी, और आई होप कि आपको आज का रेसिपी पसंद आया हो एंड आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सुमन्स एंड समृद्धि'स गुड लाइफ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।